पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। थाना क्षेत्र के पाट गांव निवासी विजय सागर तूरिया के खलिहान में मंगलवार की दोपहर आग लगने से खलिहान में रखे 200 बोझा गेहूं, 200 बोझा अरहर व 100 बोझा छोटा मटर जलकर राख हो गया, जिससे किसान विजय सागर तूरिया का कमर ही टूट गया। खलिहान में लगी आग को देखकर परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। खलिहान में आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। मंगलवार को दोपहर विजय सागर तूरिया के खलिहान में दोवाई मिसाई के लिए रखे गए अनाज में अचानक आग लग गया तथा धूं धूं कर जलने लगा। जब तक आसपास के लोग कुछ समझते बुझते तब तक आग की लपटें काफी तेज हो चुकी थी। आग की लपटें देखकर जुटे ग्रामीणों के द्वारा आग पर काबू पाने का भरसक प्रयास किया गया, लेकिन वे अनाज को बचाने में सफल नहीं हो सके। ग्रामीणों के द्वारा आग पर काबू पाते तक खलिहान में रखे अनाज पूरी तरह से जलकर राख हो गया था। विजय तूरिया ने प्रशासन में मुआवजे की मांग की है, जिससे उसके परिवार वालों का भरण पोषण हो सके। आग बुझाने वालों में बंधु चौधरी, सत्यनारायण तूरिया, प्रेम सागर तूरिया, सुनील कुमार, इंद्रदेव सिंह सहित सैकड़ों लोग शामिल थे। गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।